कबीर साहब कहते हैं, कबीर क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग, वाकू टुकड़ा डारी के सुमिरन करु सुरंग। तो ये सब जो देह भाव में जीते हैं कबीर उनसे कह रहे हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर क्षुधा कुकरी, क्षुधा माने भूख, भूख माने अतृप्ति, असंतुष्टि। हम यही होते हैं ना जीवन में, हम कभी भी तृप्त नहीं होते, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जो संतुष्टि ना होने की, असंतुष्ट रहने की, अतृप्त रहने की ये जो भूख है, इसको कबीर कह रहा है कुकरी के जैसी है। कुकरी माने वो रहता ना जो खुले मुंह का, एक बड़े पेंदे वाला मुंह खुला है ऐसा बर्तन रहता है, माने ये जो क्षुधा है बिल्कुल हमेशा मुंह खोले, मुंह बाएं खड़ी रहती है। ये जो अतृप्ति है, इसे कितना ही दे दो, कितना ही पालूं, कितना ही भोग लूं, लेकिन कभी ये तृप्त नहीं होती, ये मुंह खुला ही रखती है कि और चाहिए। करत भजन में भंग। तो ऐसा है कि आपसे कहा जाता है कि आप सुमिरन करो, सत्संग करो, सत्संग करो, भजन कीर्तन करो, ध्यान करो, है ना, मन को शांत करो, आपसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि कहां दौड़े जा रहे हो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, जानो, समझो, देखो तो किधर जा रहे हो। और फिर अंदर से आवाज क्या आती है, क्या कहते हो तुम, अरे ये शरीर है ना, इसकी जरूरतें हैं, इसकी मांगे हैं, हैं, जिएंगे कैसे अगर हम ये सब इकट्ठा नहीं करेंगे, सब नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे। तो मतलब समस्या कहां रही है कि अगर हम ध्यान करें, अगर हम सुमिरन करें, सत्संग करें, तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये मांग करता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, इसको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए। तो बीच बीच में हमें उठना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगानी पड़ती है कुछ पाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, वाकू टुकड़ा डारी के सुमिरन करु सुरंग। उसको जितनी आवश्यकता है उतना उसको डाल दो। पूरी जिंदगी का शरीर जो है ये इतना बड़ा है कि तुम इसकी ही सेवा में पूरी जिंदगी निकाल दो। देखो दो होते हैं, एक देह भाव में जीने वाला और एक अपने आप को देह ना मानता हो, जो जानता है स्वयं को, आत्मज्ञानी जो होता है। पर साधारण जो इंसान है वो देह भाव में जीता है, जानवर की तरह, पशु की तरह। क्या चाहिए उस पशु को, पशु को क्योंकि उसके पास शरीर है, वो कुछ समझता तो है नहीं, बस पैदा हुआ है। तो जो देह भाव में जीता है वो क्या करता है, वो पशु के समान होता है। और पशु को क्या क्या चाहिए, उसे भोजन चाहिए, और मादा है तो नर की ओर, नर है तो मादा की ओर आकर्षित होगा, माने बच्चे पैदा करेंगे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो उसे भोजन चाहिए, उसे सेक्स चाहिए, और तीसरा उसे सोना है, तो वो आराम करेगा, खाएगा और अपना वंश आगे बढ़ाएगा और सोएगा। बस ये तीन काम रहते हैं जो वो करता है, और यही तीनों काम हम करते हैं। खाने की व्यवस्था के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, अपना वंश बढ़ाने के लिए शादी विवाह रचा लेते हैं, और 6-7 घंटे सो लेते हैं, इसी में जिंदगी बीत जाती है। तो पशु और इंसान एक जैसे हो गए। पर चूंकि हम परेशान रहते हैं, पशु को दुख नहीं होता, पशु को दर्द होता है, दर्द और दुख अलग होते हैं। तो पशु को दर्द होगा, दुख नहीं होगा, हमें दर्द तो होता ही है, हमें दुख भी होता है, क्योंकि इन सब के बावजूद भी कोई बैठा है अंदर जो हमेशा कैसे रहता है, कुकरी की तरह मुंह खोले बैठा रहता है कि अभी और चाहिए, अभी तो हम संतुष्ट हुए ही नहीं है। तो तुम ये बताओ, तुम कहते हो कि ध्यान में समस्या आती है, सुमिरन में समस्या आती है, सत्संग करने में समस्या आती है, शांत बैठने में समस्या आती है, खुलकर जीने में समस्या आती है, हमें कुछ ना कुछ करना रहता है। जब तुम ऐसा कहते हो, ये बताओ कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकताएं कितनी है। शरीर को सांस लेना है, माने जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो तुम्हें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें नहीं आवश्यकता कि तुम शरीर के लिए दौड़ो भागो, जो उसे चाहिए वो खुद वो सब पा लेगा।
सांसें चलती है, शरीर को सांस लेने की आवश्यकता होती है। क्या तुम कुछ मेहनत करते हो? तुम कुछ नहीं करते हो तब भी सांसें चलती रहती है ना। दिल धड़कना चाहिए अगर शरीर को जिंदा होना चाहिए होना है तो। शरीर जिंदा तभी रह सकता है जब दिल धड़कता है। तो क्या दिल धड़कने के लिए तुम मेहनत करते हो? अपने आप धड़कता है ना, आंखें अपने आप, पलकें अपने आप झपकती हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये जो आवश्यकता है, ये जो मुंह बाएं खड़ी रहती है कुकरी के समान, ये जो अतृप्ति है, ये जो क्षुधा है, ये जो भूख है, ये तुम्हारे शरीर की भूख नहीं है, ये तुम्हारे मन की भूख है। तुम्हारा मन कभी नहीं भरता है, और मन को तुमने जोड़ रखा है अपने आप से शरीर से, माने अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हो। तो तुम्हें यह लगता है कि ये शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता नहीं है। तुम 50 एकड़ जमीन में एक 50 मंजिला महल बना लेते हो बुर्ज खलीफा के जैसे, क्या तुम्हें लगता है कि शरीर को आवश्यकता है उस सब की? इतने बड़े महल में तुम एक छोटे से पलंग पर छोटी सी जगह में सो जाते हो, फिर ये जो 50 मंजिला बुर्ज खलीफा तुमने बनाई है, ये क्यों? क्या इसे ये सब शरीर को चाहिए था? नहीं ना। पर तुम उसके पीछे दौड़ते हो और फिर क्या कहते हो? शरीर की आवश्यकता है ना, उसको पूरा करते हैं, इसलिए समय नहीं मिलता सुमिरन का, ध्यान का कहां से मिलेगा? तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, और मन की जो आवश्यकता है उसको तुम शरीर की आवश्यकता समझ लेते हो, और उनकी पूर्ति करने में लगे रहते हो, तो समय कहां से बचे? शरीर को अपना काम करने दो, तुम उससे अलग हो जाओ, तुम इसके साक्षी हो जाओ बस। प्यास लगती है तो पानी अपने आप शरीर मांग लेता है, और जो पानी उसके लिए ठीक है वो पी लेता है उसे। अगर शरीर के लिए वो ठीक नहीं था तो अपने आप शरीर उस पर प्रतिक्रिया करेगा। पर कपड़े अगर तुम्हें चाहिए तो उनमें शरीर कहता है क्या कि ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए? कौन कहता है? तुम्हारा मन कहता है। तो ये जो क्षुधा है, ये जो भूख है, ये जो अतृप्ति है, ये मुंह खोले इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि ये तुम्हारे मन की क्षुधा है। शरीर की इतनी आवश्यकताएं नहीं है कि पूरी नहीं हो, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, और वो थोड़ी देर के लिए होती है और थोड़ी देर में पूरी भी हो जाती है। मन की भूख है, वो मन माने अहम, तुम्हारा अहम है जो अपने आप को अकेला पाता है, खाली पाता है, अधूरा पाता है। तो अपने इस खालीपन को भरने के लिए, इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, और कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों के पीछे दौड़ता रहता है जो शरीर की आवश्यकताएं होती। तो वो आवश्यकताएं शरीर को तो संतुष्ट कर देती हैं, पेट भर जाता है, तृप्त हो गया, पानी पी लिया, तृप्त हो गया पेट शरीर। लेकिन जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की तुम पूर्ति करते हो, पर वो आवश्यकताएं तुम्हारे अहम को तो संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ तो तुम उन चीजों के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हो जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिनसे सिर्फ शरीर को ही संतुष्ट किया जा सकता है, और फिर कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? फिर आगे जो लिखा वो क्या लिखा? वाकू टुकड़ा डारी के सुमिरन करो सुरंग, माने ये जो शरीर है इसको टुकड़ा डाल दो, जितनी आवश्यकता उतना दे दो, बाकी समय सुमिरन करो। और सुमिरन क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान करना है? यही ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है और ये जो शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मुझे शरीर बनकर नहीं जीना है, और शरीर बनकर नहीं जीना ये सिर्फ मानकर नहीं बैठना है, इसे जानना है कि क्यों मैं शरीर नहीं हूं। इसी बात का सुमिरन करना है, क्योंकि जब आप शरीर मानकर, स्वयं को शरीर जानकर जीते हैं तो इस संसार में लिप्त हो जाते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अपने आप को तुमने शरीर कह दिया कि ये मैं हूं, और शरीर के कारण जो जो रिश्ते संबंध बनते हैं, जो जो दिक्कतें आती हैं, सारी इस शरीर के कारण आती है, फिर इस शरीर के नाम पर आती हैं, और वो सब लाती हैं अपने साथ अशांति, तनाव,
रूखापन। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जितनी शरीर की आवश्यकता है उसको उतना दे दो, और अपना समय सत्संग में लगाओ, ध्यान में लगाओ, सुमिरन में लगाओ, क्योंकि जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हमने मोल ली हैं। जब पैदा हुए थे तब तुम्हारे साथ वो सारी समस्याएं नहीं थी जो आज हैं। ये कहां से आई आज इतनी? इनको तुम ही अपने आप को, ये जो कुकरी है ना मुंह खोले खड़ी है, इसको भरने के लिए तुम ये सारी समस्याएं खरीद कर लाए हो, पैसे दे दे कर लाए हो, चुका कर लाए हो, कीमत चुका कर लाए हो, समय दिया, पैसा दिया, पूरा जीवन दिया, तब लाए हो ये समस्याएं। तो वो यही कह रहे हैं कि इसको जितनी आवश्यकता है ना इसको उतना दे दो बस। और ये कुकरी तुम्हारा शरीर नहीं है, ये तो तुम्हारा मन है, इसको भरने मत लग जाना। इसको देख लो एक बार कि ये शरीर है या मन। देख लोगे तो अपने आप तुम जान जाओगे कि इसको भरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो कभी भरने वाला है नहीं। तो जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है वहां भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए ये बीच में अवरोध पैदा होते हैं। अपने आप को इस शरीर से अलग कर लो, फिर शरीर का जो काम है वो शरीर करेगा और ध्यान का जो काम है वो तुम करना। घटना ये होगी कि शरीर अपना काम किए जा रहा है और तुम आनंद में जी रहे। वरना चाहे तुम अमीर के पास चले जाओ या गरीब के पास चले जाओ, राजा के पास चले जाओ या प्रजा रंक के पास, प्रजा हो या राजा हो, हर व्यक्ति के पास यही है। ये क्षुधा है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर व्यक्ति अधूरा है, हर व्यक्ति अतृप्त है, हर व्यक्ति भूखा है, सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। जिसके पास महल है वो भी उसी के लिए कर रहा है, भाई खाने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी उसी के लिए कर रहा है। तो देख रहे हो ना फर्क? फर्क ये है कि शरीर की वो आवश्यकता है नहीं, वो मन को तुमने, माने अहम को तुमने अपने आप से, इस शरीर से जोड़ रखा है कि यही तो मैं हूं। अहम शरीर से लिप्त है और अहम कभी तृप्त होता नहीं। तो शरीर की तुम आवश्यकताएं पूरी कर भी दो फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तो प्यासा हूं, खाली हूं। तो इसका ही सुमिरन करो कि तुम शरीर नहीं हो, और शरीर नहीं हो इसका सुमिरन करने का अर्थ क्या हुआ? जीवन ऐसे जीना है कि जैसे देह भाव में सब लोग जीते हैं वैसे नहीं जीना है, स्वयं को शरीर मानकर नहीं जीना है। हर काम जो कर रहे हो देखो, क्या ये शरीर बनकर जी रहा हूं, शरीर बनकर कर रहा हूं, क्या ये सिर्फ शरीर के लिए हो रहा है, क्या ये जो कर रहा हूं ये शरीर भाव को ही ज्यादा बढ़ावा दे रहा है? जहां उलझाऊं वहां क्या ये शरीर के कारण ही कोई बात है जिसके कारण मैं उलझाऊं? देह भाव का रिश्ता है, देह भाव के कारण ये काम है, देह भाव के कारण ये समस्या है क्या? अगर है तो छोड़ो उसे, क्यों पकड़े बैठे हो? क्या बचा लोगे, क्या पकड़ लोगे, क्या पालोगे उससे? मन अशांत है, परेशान है, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। समय सही जगह पर लगाओ, जीवन को समझने पर लगाओ, सीखने पर लगाओ, जानने पर लगाओ। जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनको देखो, उनमें उतरो, गहराई तक जाओ कि ये हो क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे, कहां से ये सारी समस्याएं उठकर आ रही हैं, जानो उन्हें। यही सुमिरन है। सुमिरन का अर्थ ये मत समझ लेना कि माला पकड़ लियो और बस नाम जपे जा रहे हैं, माला फेर रहे हैं। नहीं, जीवन की खोज करना, जीवन की खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, यही सुमिरन होता है कि अगर मैं देह नहीं हूं तो जो हूं वो क्या हूं। और वो कैसे पता चलेगा? देह भाव का भाव के कारण जो सारी परतें तुमने चढ़ा रखी है, जो मैं के साथ तुमने सबको जोड़ रखा है, संसार को जोड़ रखा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना ढिमका, मैं माता, मैं पिता, मैं भाई, मैं पुत्र, मैं पुत्री, मैं बिजनेसमैन, मैं व्यापारी, मैं कलेक्टर, मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी जमीन जायदाद, ये सब जो मैं के साथ जोड़ रखे हैं, जांचो परखो, यही सब
समस्या के कारण है। इन्हीं सब के कारण तुम अशांत हो, क्योंकि मैं जितना अधिक इन सब में लिप्त होगा, अब ये क्या, ये सब देह ही तो है, ये स्थूल चीजें, ये सब देह भाव के कारण ही है। और ये सब किससे जुड़ा है? ये रिश्ते, धन, संपदा, ये सब इस शरीर से संबंधित है और उससे तुम संबंधित हो गए हो। तो इन सब पर ध्यान देना, इनको समझने का प्रयास करना, यही सुमिरन होता है, यही आत्मज्ञान होता है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं उतरता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर छुदा कुकरी करत भजन में भंग, वाकू टुकड़ा डारी के सुमिरन करूं सुरंग। मैं तो वैज्ञानिक बनना चाहता था और अपने प्रोजेक्ट में लगा हूं, पर ये ना, ये जो भूख है, ये जो शरीर की आवश्यकताएं, मांगे हैं, ये बार बार मुझे वहां से विचलित कर देती है। तो इसकी जो आवश्यकता है बस उतनी से दे दो, बाकी समय अपने उद्देश्य में लगे रहो, सही उद्देश्य में, ऐसे उद्देश्य में जो तुम्हें उद्देश्यों की पूर्ति करने से ही मुक्त कर दे। उसकी चाहत करो जिसको पाकर चाहते ही विलीन हो जाएं।